संदिग्ध हालातों में मिला युवक का शव सदर थाना इलाके के बिंजू सर का मामला। तो वहीं खेतड़ी इलाके में मिट्टी में दबने से एक युवक की मौत। इधर सिंघाना में ब्लैक थार का कहर, 7 साल की मासूम को लिया चपेट में। झुंझुनू जिले में आज हादसों के कारण एक जनों की मौत और 1 7 साल की बच्ची घायल हो गई। वहीं एक युवक की मौत संदिग्ध हालातों में हो गई। झुंझुनू के सदर थाना इलाके के बिंजू सर गाँव में एक युवक का संदिग्ध हालातों में शव मिला है। परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने फिलहाल रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक बिंजूसर पंचायत के देवीपुरा गांव का 32 वर्षीय नरेश पुत्र राजपाल मेघवाल बड़ा गांव में ट्रेलर की दुकान चलाता है। कल देर रात को नरेश का शव बिंजूसर गाँव के जोहर में स्थित शमशान भूमि के समीप एक चारपाई पर मिला। पुलिस ने शव को राजकीय जिला बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आज इस मामले में मृतक नरेश के पिता राजपाल ने रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने नरेश की मौत पर संदेह जाहिर किया है, जिसमें लिखा गया कि नरेश एक नेक दिल और मिलनसार व्यक्ति था, किसी ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए मौत की जाँच होनी चाहिए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। इधर सदर SHO दयाराम चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नरेश की पत्नी 2 साल से अपने पीहर में ही रह रही थी। उसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 7 वर्षीय मोहित तथा छोटा बेटा 5 वर्षीय हनी है। दोनों नरेश के पास ही रह रहे थे। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया है कि कल नरेश सुबह 8 बजे बड़ा गाँव स्थित दुकान पर गया था, लेकिन 3 घंटे बाद 11 बजे वापस लौट आया था। इसके बाद नरेश कहाँ गया किसी को पता नहीं, लेकिन रात को उसका शव बिंजूसर जोहर में स्थित शमशान भूमि पर मिला, जो टीन शेड के नीचे चारपाई पर पड़ा हुआ था। पास ही नरेश की बाइक भी खड़ी थी। पुलिस और एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मरता का भाई सुनील कुमार, मेरा बड़ा भाई नरेश, जो कल सुबह घर से खाना खा के दुकान के लिए निकला था, फिर दोपहर में वो बोला मैं अभी जा के आता हूँ। फिर वो अब हमें पता चला कि वो कहीं पे जाके आ रहा है। शाम को जब वो बिंजूसर वाले सरपंच ने फोन किया ना कि ये 3874 नंबर की बाइक से पता चला कि ये नरेश है, फिर उन्होंने जानकारी दी। फिर हम गए तब वो उन्हें छाती पे निशान और काफ़ी छोटे निशान भी आए और वो मृतक हालत में था। तो उसकी हम तो ये चाहते हैं कि उसकी जांच पड़ताल करें, और वो शराब और इन का भी आदमी नहीं था, नहीं किसी से बेहद था उसका। हमें तो क्या बोलकर निकला, घर से तो दुकान के लिए गया था, दुकान से गया था कि बोला मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, अब यही बोल के गया था। तो आपको क्या शक है? शक तो सर यही है कि उसकी हत्या की गई है, हमें ये शक है, उसकी जांच होनी चाहिए। कल रात्रि 8 बजे हमें सूचना मिली थी, बिंजूसर सरपंच रोहतास जी, उन्होंने बताया था कि गांव के जोहर में एक शमशान भूमि है, उसके पास में एक चारपाई पर एक व्यक्ति लेटा हुआ जो मृत है। सूचना पर मैंने मेरा DO भेजा, मैं मौके पर गया, जाके देखा तो व्यक्ति वहां पर मृत था, जिसके परिजनों को बुलाया गया। उसकी पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई है, जो देवीपुरा का रहने वाला है और बड़ा गांव में टेलरिंग की दुकान करता है। और परिजनों ने उसका पहचान की, पहचान करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को हमने BD को रखवा दिया। सुबह उनका पोस्टमार्टम करवा के और बॉडी जो डेड बॉडी है परिजनों को सपोर्ट कर दी है। परिजनों ने प्रार्थना पत्र दिया कि इसकी मृत्यु के कारण की जांच की जाए, उस पर मल दर्ज कर हमने जांच प्रारंभ कर दी। इधर झुंझुनू जिले के सिंघाना कस्बे में काली थार गाड़ी का कहर देखने को मिला, जिसने तेज रफ्तार में चलाते हुए सड़क किनारे जा रही 7 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की हालत गंभीर होने पर झुंझुनू रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिंघाना की रेलवे कॉलोनी के पास 7 वर्षीय बच्ची प्रज्ञा दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी सिंघाना चिड़वा सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार से आ रही काले रंग की थार गाड़ी ने टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने घायल बच्ची को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी के नेतृत्व में प्राथमिक उपचार किया गया। बच्ची की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं थार चालक टक्कर मारने के बाद गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। ये कोई सड़क दुर्घटना में 7 वर्ष की बच्ची दुर्घटनाग्रस्त होकर यहाँ पे अपने CSC सिंघाना में आई थी, इसको एग्जामिन किया गया तो राइट फुट पे काफ़ी बड़ी इंजुरी है, मसल डेप्थ है, मसल अच्छे से दिख रही है, बोन्स भी दिख रही है, एंड थोड़ा हल्का हेड इंजुरी भी है। बच्ची काफ़ी इरीटेट है, इसको प्राथमिक उपचार करके झुंझुनू आगे के इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। इधर खेतड़ी उपखंड के
जसरापुर में बुधवार सुबह मिट्टी के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मछली पालन के लिए खोदे गए पॉइंट के गड्ढे की सफाई कर रहा था। इस दौरान वही मिट्टी ढह जाने से हादसा हो गया। एएसआई रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जसरापुर निवासी मनीराम पुत्र भोलाराम माता जी दाणी के पास अपने खेत मछली पालन करने के लिए जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई करवाई थी। रात को जेसीबी मशीन खुदाई कर चली गई तो सुबह वह अपने भाई के साथ खेत में पहुंचा। इस दौरान उसका भाई मनोहर लाल ऊपर बैठ गया तथा वह गड्ढे में उतरकर गिरी मिट्टी को बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। जब वह मिट्टी की सफाई कर रहा था तो अचानक ऊपर से मिट्टी ढह जाने से वह उसके नीचे दब गया। इस दौरान उसके भाई ने शोर शराबा किया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा मिट्टी के नीचे दबे मनीराम को निकालकर खेतड़ी के उपजिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इस दौरान डॉक्टर ने मनीराम को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने खेत में कोई कुंड बना रहा था और कुंड दसनी से वो मिट्टी में दब गया। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुंड के अंदर से मृतक का शव निकलवाया गया बाहर। मृतक का नाम मनीराम पुत्र भोलाराम उम्र 40 साल निवासी माता जी की डांडी जसरापुर है। जो खेत में पानी का कुंड बना रहा था और उसकी मिट्टी धसने से और वो दब गया। दबने से उसकी मृत्यु हो गई।